मैं बहुत बीमार रहती थी, 10-12 साल की थी जब से, तब से लेके अब तक मैं बीमार ही रहती थी। और मैंने तवीज़ भी पहने, डॉक्टरों के पास भी बहुत जाती थी। जब मैंने गीता पिक और जबरान भाई को देखा और कैलेंटन एशिया देखा तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरे दिल ने मुझसे कहा कि तुम तवीज़ उतार दो, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने तवीज़ उतार दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जबरान भाई का और गीता पी का थैंक्स। मेरा नाम नुसरत है। एशिया 10 वालों का बहुत बहुत शुक्रिया ताकि चैनल चल रहा वे। मेरे घर बहुत खुदा ने बरकत पाई है, यसू बाप की मेहरबानी ना बहुत बरकत अल्लाह तला ने दी है। मेरे बच्चे जड़े ने कारोबार च बरकत पाई है। मैं दीवे पालती सी, मैं कोई दुआ का नहीं पता, मेरे बच्चों ने कोई दुआ का नहीं पता है। असी हूँ बिल्कुल, बच्चे भी दुआ करते हैं, मैं खुद भी दुआ करनी है। दीवे भी मैं छोड़ दिते ने। मेरिया बेटिया का शादी का मसला वे, वह मैं उन्होंने दरखास्त रखी हुई है कि वह मेरी पूरी हो। बाकी मेरे सारे मसले सही ने। कारोबार वास्ते भी मसलन के दुआ की है, मैं खुद भी कर रही हूँ। सब तो मेन चीज़ यह कि मैं दुआ दे वल लग गई हूँ। मेरे बच्चे इस लैन पर तुर पे ने, सानू पहले पता ही नहीं सी दुआ किदा करी दी। यह साड़ी सब तो मेन वजह सी कि साड़ा घर कल्ला सी, असी मसीहां दा इत्थे घर ते असी खुदावत तो बहुत दूर है। साड़े बच्चे गिरजे नहीं गए, कुछ नहीं होया। ये जो एशिया 10 चलिया ते असी इहनू वेख्या ते साड़े बच्चे साड़े सारे घर वाले बड़ा मुतासर होए ने। ते खुदावत दा बहुत शुक्र है कि असी हुण सारे घर दे विच हर वक्त ही साड़े घर दे विच एशिया 10 आ रहा हुंदा ते असी इबादत दे विच मसरूफ रहने। इस तो पहले साड़ी जिंदगी जिहड़ी सी उहदे विच यही सब तो बड़ी तब्दीली आई है कि असी खुदावन तो दूर सा, तो हूँ असी खुदावन दे चाहते हैं कि दिन रात ही साड़ी इबादत दे विच ही गुजरे। असी एशिया 10 का बड़े मशहूर हाँ। यसु मसीह ने फरमाया कि तू मेरी इबादत कर ते मैं तेरे घराने नू बरकत दांगा, तेरे कारोबार ठीक कर दांगा, तेरी हर मुश्किल हल कर देंगा, तेरी रोटी पानी च बरकत पा देंगा। इसे वसीले च यसु नासरी ने साडे जिंदगी च बड़ा वड्डा मौजज़ा किया कि साडा कारोबार सैट कर दिता, सानू गड्डियां नाल नवाजिया, सानू वड्डे घर नाल नवाजिया। ते सब तो ज़्यादा खुशी यह है कि असी मसीह हाँ। आमीन। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं बहुत खुश होता हूँ जब 10 एशिया प्रोग्राम देखता हूँ, और जो प्रे होती है, जो दुआ होती है, हम उसके आगे बैठकर खुदा की जब दुआ सुनते हैं और ज़िंदगी भर की निजात और तंदुरुस्ती पाते हैं। मेरा ईमान है जो कोई भी अभी तक खुदा से दूर है, मैं उनके लिए ये कह सकता हूँ, अगर जो दूर है वो खुदा के पास आए और ज़िंदगी भर की निजात पाए। जैसे उसने कहा, ऐ बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ईमान दूँगा। जब खुदा के पास कोई आता है और ज़िंदगी भर की निजात पाता है, ऐसा ही है। मेरा ईमान है खुदा बाप, जैसे कोई भी खुदा के पास आएगा और ज़िंदगी भर की निजात पाएगा। पहले मैं भी दूर था, अबलीस के मनसूबों में मैं भी झगड़ा हुआ था, लेकिन जब मुझे खुदा ने छुआ और मुझे खुदा ने बरकत दी, जब मुझे खुदा ने बरकत दी तो 10 साल के बाद मुझे खुदा ने बेटे जैसी नेमत दी। और खुदा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, 10 एशिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब दुआ करते हैं मैं उसी वक्त उसके पास आता हूँ और दुआ करता हूँ और खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ, और मुसीबत के नाम में सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन।